हेलो बच्चों, स्टार्ट करेंगे आज हम लोग प्रॉब्लम बेस्ड ऑन बाइनोमियल कोएफिशिएंट। बाइनोमियल थ्योरम में बच्चों बाइनोमियल कोएफिशिएंट के क्वेश्चन देखने के बाद बच्चे थोड़ा सा घबरा जाते हैं। कोई घबराने की बात नहीं है, दो तीन टिप्स हैं, उसको थोड़ा समझना है, अच्छे तरीके से वर्क हो जाएगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। टू फाइंड दी बाइनोमियल कोएफिशिएंट दे रखा है सीरीज 40C1, 41C2, 42C3, 43C4 और ये जा रहा है 60C20 तक। तो देखिए बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है जो जेई मेंस 2022 में आया है। ये क्या करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं? तो इसे देखो दो तरीके से बना सकते हैं हम लोग। पहला तो मेथड ये होता है कि आप इसे इस पैटर्न पे भी बना सकते हैं, NCR + NCR - 1 N + 1 CR। ये वाला एक रूल होता है जो इस रूल के अकॉर्डिंग भी आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे करेंगे देखिए, मेथड फर्स्ट, इसकी वैल्यू होती है 1, 40C1 की वैल्यू होती है 1। आप ऐसा कर सकते हो कि सर यहां पे 41 है, यहां पे 40 है, बट यहां तो n और n दोनों तो सेम होते हैं, तो यही तो एग्जामिनेशन में एग्जामिनर आपको चेक कर रहा है कि आप क्या सोच सकते हो और कहां तक जा सकते हो। तो देखो बच्चों, यहां पे हम ऐसा कर सकते हैं कि ये दोनों को सेम बनाने के लिए 40C1 की भी वैल्यू 1 होती है और 41C1 की भी वैल्यू 1 होती है। ओके, तो देखिए इसे आप लिख लो 41C1 + 41C2। अब ये दोनों ही देखो तो मैच कर रहा है, NCR - 1 = N + 1 CR। तो जो ये R होता है वो बड़े वाले को लेते हैं हम लोग, तो ये बन जाएगा हमारा 40, यहां से एक ऐड कर दो, C2 हो जाएगा ये। अब ये 42, अब इसको इसके साथ अगर हम ऐड करते हैं 42 C3 को 42C2 के साथ, तो यहां पे ये बन जाएगा हमारा 43C3। एंड अगेन जब हम इसको इसके साथ ऐड करेंगे तो ये बन करके आ जाएगा 44C4। आप देख सकते हैं अगेन हम यहां पे अगर चलेंगे तो ये वाला है 44C5। जब आप यहां से इसको लेकर के चलोगे तो ये 45C5 आ जाएगा। ये इसी तरीके से चलता रहेगा और ये देख लो आप 44 था और 45 पे जाएगा तो 45 के साथ C6 आ रहा है, बट यहां 45 के साथ C5 आ रहा है। यहां पे देखो 44 के साथ C5 आ रहा है, यहां 44 के साथ C4 आ रहा है। तो इस वाले केस में 60C20 है, तो जस्ट प्रीवियस वाला जो टर्म आएगा वो 60C19 + 60C20 बनेगा ये, और ये टोटल आ जाएगा जब हम इसे ऐड करेंगे तो n + 1 दैट इज 60 + 1 C20 and 61 C20 निकल कर आ जाएगा। तो देखो बच्चों, एक तो ये तरीका था, इसी में आप देख रहे हो कि 40C1 है, 41C2 है, इसे अगर आप सफिक्स कहते हो तो इसे हम लोग आर्ग्यूमेंट कह सकते हैं। तो सफिक्स भी बढ़ रहा है, आर्ग्यूमेंट भी बढ़ रहा है, दोनों ही इंक्रीज कर रहे हैं। सेकेंड मेथड इसका जो है उसे आप ऐसे देख सकते हो, मेथड सेकेंड,
कोएफिशिएंट बेस्ड पे हम इसे बना सकते हैं। क्या कर सकते हो, 40c 0 है, 41c 1 है, 42c 2 है, 43c 3 है, और इस तरीके से 44c सॉरी ये जा रहा है 60c 20 तक, ऐसा जा रहा है। आप क्या करोगे, आप ऐसा कर सकते हो, इसे 40c 40 लिख सकते हो, क्योंकि हम लोग जानते हैं एन सी आर इज एन सी एन माइनस आर, ये रिजल्ट होता है। यहां पे भी आप लिख सकते हो 41c 40, यहां लिखोगे 42c 40, यहां लिखिएगा 43c 40, एंड अगेन लास्ट में 60c 40 लिखोगे। तो अब देखिए आर्ग्यूमेंट आपका सब में सेम हो रहा है ना, और आप जानते हो कि अगर हम 1 प्लस एक्स टू दी पावर n में, अगर एक्स टू दी पावर कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर r लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ, एक बार ध्यान से सुनो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर r, तो आप क्या लिखोगे इसे, इसे आप कोएफिशिएंट लिख रहे हो है ना, तो एन सी आर लिखोगे। कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर का मतलब एन सी आर निकल करके आ जाएगा, एक्स टू दी पावर आर। अगर एक्स स्क्वायर की कोएफिशिएंट लिखोगे तो एन सी टू लिखोगे, अगर एक्स क्यूब की कोएफिशिएंट लिखोगे, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब इसमें कितना होगा, तो एन सी थ्री हो जाएगा। तो सिमिलरली हम इसी बेस पे थोड़ी बात करेंगे, इसे आप क्या लिख सकते हो, आप लिखोगे कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 40 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स टू द पावर 40, एंड सिमिलरली कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 40 इन द, अब एक्सपेंशन आपका चेंज हो रहा है 1 प्लस एक्स टू द पावर 41, एंड कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 40 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पे पावर 41 हो गया, ये हो जाएगा 42, और इस तरीके से चलता रहेगा। और कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 40 इसे लिखोगे इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पे पावर 60। ठीक है बच्चों, अब देखिए कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू द पावर 40 इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पे पावर 40 हो गया, इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पे पावर 41 हो गया, इन द एक्सपेंशन 1 प्लस एक्स पे पावर 42 हो गया, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 60। ठीक है, अगर आप इसे देखते हो यहां से दिख रहा है तो कॉमन थोड़ा सा पता चल रहा है हमें कि क्या चीज आप कॉमन ले सकते हो। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 40 आप यहां से बाहर निकाल लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर 40 इन 1 प्लस एक्स पे पावर 40 आप ले लीजिए, 1 प्लस एक्स प्लस 1 प्लस एक्स का स्क्वायर एंड 1 प्लस एक्स पे पावर 40 ले लिया, तो ये 20 लिख लो। अब देखो तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने जा रहे हैं, 1 प्लस एक्स पे पावर 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 21 है, सॉरी 20 है, तो टोटल टर्म हो जाएंगे हमारे 21। अब जीपी का सीक्वेंस लगा दीजिए, एक्स पे पावर 40 इन 1 प्लस एक्स पे पावर 40, और ये बन जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 21 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1, दैट इज एक्स। ठीक है, अब देखिए आगे चलते हैं थोड़ा एक स्टेप और, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स पे पावर 40 है ना,
करेक्ट 40 है. इन द एक्सपेंशन 1 + x^40 एंड 1 + x^21 - 1 / x. अब आप देख सकते हो कि x डिवाइड है, तो हमें अब कोएफिशिएंट क्या निकालनी पड़ेगी, कोएफिशिएंट ऑफ x^41 एंड 1 + x^61 - 1 + x^40. तो 41 यहां दे रखा है और यहां 40 है, तो यहां पे तो कोई कोएफिशिएंट इसकी निकलेगी नहीं, क्योंकि यहां पे हाईएस्ट डिग्री जो जाएगा वो x^40 तक ही जा सकता है. तो यहां पे कोएफिशिएंट इसकी 0 निकल करके आ जाएगी. बट यहां से जब कोएफिशिएंट निकालोगे आप, तो ये हो जाएगा 61c 41 एंड 61c इसे आप 20 लिख सकते हो NCR NC N-R के टर्म में. तो आपने देखा कि एक तरीका तो पहले आपने सीखा था, ये वाला तरीका है जो NCR + NCR-1 = N + 1 CR. और दूसरा तरीका आपने यहां पे सीखा कोएफिशिएंट के फॉर्म में, जो कि बड़ा अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग चीज है. आप इसे अप्लाई कर सकते हैं. एक और एग्जांपल पे हम चलते हैं. सिग्मा आर की वैल्यू 0 से n है, n + r c r. इसको देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए और थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए कि इस क्वेश्चन को आप किस वे में समझते हैं. कुछ भी नहीं है, आप यहां पे समेशन दे रखा है, इसे आप लिख सकते हो NC0 N+1 C1 N+2 C2 N+3 C3 और गोइंग ऑन N+NCN तक. जस्ट लाइक अभी आपने जो ऐसे क्वेश्चंस किए थे, सेम वही प्रोसेस आपने यहां पे भी लगाया है. हम मेथड फर्स्ट का यूज अगर करें, तो मेथड फर्स्ट में आप इस वाले पार्ट को N+1 C0 लिख सकते हो. क्यों लिख सकते हैं सर? भाई 1 ये भी है और 1 ये वाला भी है, दोनों तो 1 ही है. और जेई जो होता है ना, जेई बहुत इंटेलिजेंट क्वेश्चन बनाते हैं, बहुत अच्छे सवाल बना रहे हैं आजकल. तो ये थोड़ा सा समझना जरूरी है कि हम क्वेश्चन को किस पैटर्न पे लेकर के जा रहे हैं. चलिए इसे आप देख लीजिए. C1 तो आप जानते हो NCR + NCR-1 N+1 CR हो जाता है, ठीक है ना. तो ये वाला पैटर्न जो है, इस पैटर्न को थोड़ा सा समझना होगा हमें. और ये तो रिजल्ट है यार, इसे तो समझने की क्या जरूरत है. N+2 कर दो और C जो बड़ा वाला है उसे लिख दो. N+2 हो गया, इसका जो होगा इसके साथ जब एडिशन आप करोगे तो ये बन जाएगा N+3 और 1 और 2 में से जो बड़ा है उसे लिख देंगे N+3 C2. एंड सिमिलरली इसका इसके साथ जब एडिशन करोगे आप, तो ये बन जाएगा N+4 C3 बन जाएगा. ये 2 है और ये 3 है, तो 3 हो जाएगा. आप देख सकते हो कि जब N+3 था तो जस्ट उसका प्रीसीडिंग वाला टर्म 2 आ रहा है, जब N+4 है तो उसका जस्ट प्रीसीडिंग टर्म 3 आ रहा है. तो इस वाले का टर्म क्या बनेगा, ये बन जाएगा N2N, मतलब N+N एंड CN-1 N+NCN हो गया. यही हो जाएगा और इसे आप लिख सकते हो 2N+1 CN. ये निकल करके आ गया हमारा डायरेक्ट आंसर.
सिर्फ रिजल्ट के फॉर्मेशन में। तो ये एक शॉर्टकट मेथड है जिससे आप क्वेश्चन को किस नजरिए से देखते हो और किस तरीके से आप सॉल्व करते हो। बट हम लोग इसे कोएफिशिएंट के फॉर्म में भी देख सकते हैं। लिख लीजिए एन सी जीरो था एन प्लस वन मेथड सेकंड, एन प्लस वन सी वन, एन प्लस टू सी टू है ये, एन प्लस थ्री सी थ्री और एन प्लस एन सी एन है। एन सी आर, एन सी एन माइनस आर होता है, ये बनता है हमारा। यहां पे बना लीजिए एन सी एन, एन प्लस वन सी एन, एन प्लस टू सी एन, एन प्लस थ्री सी एन और ये चला जाएगा 2NCN। आप देख सकते हो आर्गुमेंट सारे जगह पे सेम है बट सफिक्स हमारा थोड़ा इंक्रीज कर रहा है वन यूनिट। इसे आप लिख सकते हो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इन एक्सपेंशन, एक्सपेंशन बनाएगा 1 प्लस x टू द पावर n, यहां पे बनाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर एन प्लस वन, क्योंकि इससे पहले हम लोगों ने ये काम कर रहा हुआ है तो इसलिए हमने पहले इसे बाहर निकाल दिया, बाकी जो एक्सपेंशन है उसे लिख लेते हैं। ये वाला हो जाएगा बच्चों 1 प्लस एक्स पे पावर एन प्लस टू एंड ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स पे पावर 2n तक जा रहा है। ये भी जीपी सीक्वेंस है, हम लोग यहां से कॉमन ले सकते हैं n और ये बन जाएगा हमारा 1 प्लस एक्स पे पावर 0, 1 प्लस एक्स पे पावर n, 1 प्लस ये 1 हो जाएगा ना, ये तो 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा और इस तरीके से ये जाएगा लास्ट टर्म 1 प्लस एक्स टू द पावर n तक। क्लियर है? देखो कुछ नहीं कर रहा हूं मैं, सिंपल कोएफिशिएंट वाला फॉर्मेट लगा रहा हूं, जीपी सीक्वेंस खुद ही बन गया है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं। और कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n इज 1 प्लस x टू द पावर n एंड ये n प्लस 1 टर्म तक जाएगा, तो 1 प्लस x n प्लस 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स माइनस 1, 1 से 1 कैंसिल आउट कर दो। अब ये जो बन जाएगा n प्लस 1, n प्लस 1 कोएफिशिएंट निकालनी होगी इस पूरे टर्म की, तब ये निकल करके आएगा x टू द पावर n की कोएफिशिएंट। तो कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 इज ये हो जाएगा बच्चों 1 प्लस n और ये हो गया 2n प्लस 1 एंड माइनस का 1 प्लस x पे होल पावर n। अब आप देखो यहां तो मैक्सिमम जो x की जो डिग्री आएगी वो x टू द पावर n होगी, बट हमें जो निकालना है कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 की डिग्री निकालनी, तो आप क्या करोगे, इसे हमें नेगलेक्ट करना होगा और एक्सेप्ट हम करेंगे इस वाले टर्म को। तो इसे हम लोग लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n प्लस 1 इज क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 2n प्लस 1 c n प्लस 1, जिसको आप लिख सकते हो 2n प्लस 1 c, 2n प्लस 1 में से इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो, 1 से 1 कैंसिल, 2n प्लस 1 c n निकल कर आ जाएगा। आप यहां पे देख सकते हो ये 2n प्लस 1 c n यहां पे भी निकल कर के आ गया है और यहां पे भी निकल कर आ गया है। बहुत अच्छे सवाल थे। एक सवाल और मैं आप लोगों को बता देता हूं कि अगर दो कोएफिशिएंट का प्रोडक्ट दिया हुआ हो तो आप क्या कर सकते हो।
दो कोएफिशिएंट का अगर प्रोडक्ट दे रखा है या कोएफिशिएंट के पास में, पास का मतलब यहां पे ये कह सकते हैं आप कि जस्ट प्रीसीडिंग, कुछ मल्टीप्लीकेशन दिए हुए हो या फिर डिवीजन दिए हुए हो, तो वैसे क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, क्योंकि इस पैटर्न पे, कोएफिशिएंट वाले पैटर्न पे बहुत सारे पैटर्न बनते हैं, बहुत सारे पैटर्न, बट आपको कोशिश करना होगा कि आप किस तरीके से उसे सीख सकते हैं। जैसे अगर ऐसा दिया हुआ है एन सी जीरो एन सी आर, इसे हम ले लेते हैं एम सी आर, एम सी आर, एन सी वन एम सी आर माइनस वन, एन सी टू एम सी आर माइनस टू, और ये आगे तक जा रहा है, लास्ट टर्म है एन सी आर एम सी जीरो। इस क्वेश्चन को देखने के बाद आपको थोड़ी सी फील ये आनी चाहिए कि जो आर्ग्यूमेंट है, ये आर्ग्यूमेंट का सम जो आ रहा है, ये सारे प्लेसेस पे सेम आ रहे हैं। जो सम आप कर रहे हो, तो ये सारे का सम जो आ रहा है वो क्या रहा है, सेम आ रहा है। यहां पे भी आर आ रहा है, यहां पे भी आर है, ये भी आर है, ये भी आर। तो इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि कोएफिशिएंट जो दिए हुए हैं उसके आर्ग्यूमेंट का सम या डिफरेंस हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर सेम नहीं है तो आप उसे सेम बनाइए। चलिए हम देखते हैं इसे। तो यहां पे देखो, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर इन द एक्सपेंशन वन प्लस एक्स टू दी पावर एन एंड एक्स प्लस वन पे पावर एम, यही बन रहा है। अब ये कैसे आप इसे दिखा सकते हो, तो देखो जब हम इसे एक्सपैंड करते तो ये हो जाएगा एन सी जीरो एन सी वन एक्स एन सी टू एक्स स्क्वेयर, और ये बन जाएगा एन सी आर माइनस वन एक्स आर माइनस वन एन सी आर एक्स एन माइनस आर, और ये आगे तक चला जाएगा। एंड सिमिलरली इसे अगर आप देखते हो तो एन सी एन एक्स टू दी पावर एन, एंड ये चलता रहेगा एन सी आर एक्स टू दी पावर एन माइनस आर एन सी आर माइनस वन एक्स एन माइनस आर प्लस वन, एंड ये जाएगा एन सी एन तक। अगर आप इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करो इस वाले टर्म के साथ, यहां पे ये जो है एंड ये वाला टर्म, ठीक नहीं 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 नहीं, नहीं यहां पे इसे r है ये, और ये x टू द पावर r, और ये r माइनस वन है, ठीक है ना, यही चल रहा है। वन है तो पावर वन है, टू है तो पावर टू है, आर माइनस वन है तो एक्स टू दी पावर आर माइनस वन, आर एन सी आर एक्स टू दी पावर आर एंड दिस वन। अब आप देखो तो इसको अगर मल्टीप्लाई करते हो इस वाले से तो एक्स टू दी पावर आर आएगा, और एन सी जीरो एन सी आर बन रहा है जो कि फर्स्ट टर्म है, ठीक है। सेकेंड में आइए, एन सी वन है और एन सी आर माइनस वन, जब आप मल्टीप्लाई करोगे x को x पे पावर r माइनस वन के साथ, तो दोनों का प्रोडक्ट जो बनेगा वो एन सी वन एन सी आर माइनस वन इज द कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r। सिमिलरली इसी तरीके से चल रहे हैं ये, तो हम इसे लिख सकते हैं कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर r इन द एक्सपेंशन वन प्लस एक्स पे पावर एम प्लस एन एंड एम प्लस एन सी
आर। तो इस वाले का पूरे का पूरा रिजल्ट आपका बन गया एम प्लस एन सी आर। जब भी इस पैटर्न पे क्वेश्चन होगा हम ऐसा बनाएंगे, जब भी इस पैटर्न के क्वेश्चंस होंगे एन सी जीरो जब हम इसे ऐड कर रहे हैं आर्गुमेंट को तो दोनों सेम आ रहे हैं, तो आप ऊपर वाले सफिक्स को ऐड कर दीजिए और सी के साथ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स टू दी पावर आर कर दीजिए। सिंपल ये लॉजिक है। इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो 2021 में 2022 में जेई मेंस जेई एडवांस सारे में ये क्वेश्चंस आए। तो चलो बच्चों यहीं पे स्टॉप करते हैं और नेक्स्ट सेशन में हम इसी को आगे करेंगे। इस पे कुछ क्वेश्चंस वैसे वाले भी करेंगे कि इसके साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हो, इसके साथ अगर कोई मल्टीप्लिकेशन हो तब क्या होगा, या इसके साथ डिवीजन में हो तब फिर क्या हो सकता है, ऐसे क्वेश्चंस हम लोग करेंगे जो कि बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करेगा जो आने वाले सेकंड अटेम्प्ट है। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।